इंदिरा मार्केट के साथ स्थित हरिहर हॉस्पिटल में रात्रि के समय आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी की घटना के बारे में जानकारी देते हुए एएसपी मंडी भूपेंद्र सिंह कंवर ने बताया कि आगजनी की घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की जान का नुकसान की सूचना नहीं मिली है। एएसपी मंडी भूपेंद्र सिंह कंवर ने बताया कि रात को करीब 11:30 बजे इंदिरा मार्केट के सामने स्थित हरिहर हॉस्पिटल में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि इस आग पर 25 मिनट में काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जान का नुकसान की सूचना नहीं मिली है। इस आगजनी की घटना में संपत्ति का नुकसान ही पाया गया है, साथ ही इस आगजनी की घटना का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शाम को करीब 11:30 बजे एक इन्फॉर्मेशन आई कि इंदिरा मार्केट के नज़दीक में जो हरिहर हॉस्पिटल है, उनके एक दूसरी ब्रांच यहाँ पर है, उसके क्लिनिक में अचानक आग लग गई। जैसी इन्फॉर्मेशन मिली, उसी प्रकार पुलिस पार्टी और फायर ब्रिगेड को सूचित सेमटेनसली किया गया और फायर ब्रिगेड जल्दी मौके पर पहुँच गई। आग अभी उसी ग्राउंड फ्लोर में ही इसी क्लिनिक में लगी हुई थी, तो फायर ब्रिगेड ने जल्दी से जल्दी 20-25 मिनट में इसके ऊपर काबू पा लिया और सिर्फ एक धरातल की मंजिल में ये फायर जो आग लगी है उसी में थी। और अभी तक जो जानकारी मिली है, शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा घटित हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार के जान के नुकसान या इंजरी किसी प्रकार के किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। ये ठीक है कि थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी या संपत्ति जो उस क्लिनिक में थी उसको नुकसान पहुँचा है, बाकी इसमें किसी भी प्रकार का जो किसी की लापरवाही का मामला नहीं पाया गया अभी तक और इसका जांच अभी जारी है।